वेलकम अगेन। और हमारे दरमियान चंदजेब खान साहब भी मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करें। डॉक्टर फौजिया मौजूद हैं, पीएसपी को रिप्रेजेंट करें। हमने थोड़ी गुफ्तगू की हल्के पुल्के अंदाज में, थोड़ी एक दूसरे को समझाया बताया, आवाम भी सुन रही है। और ऑफकोर्स इस सैलाब एक डिज़ास्टर आया और अचानक ज़रूरत से ज़्यादा आ गया। और सब्स्टिट्यूट, क्योंकि कभी कभी हम लोग भी अपने दिल को सेटिस्फाई नहीं कर पाते, अपने दिमाग को, कि बहुत सारे सवालात उभरते हैं, लेकिन जब हम सुनते हैं बहुत सारी बातें तो दिल मुतमईन भी हो जाता है, कभी कभी नहीं भी होता, क्योंकि बेहतर तो वो जानते हैं इस वक्त जो वहाँ पर इस वक्त तकलीफ़ में। पहले से सब्स्टिट्यूट यूनिट डैम बहुत ज़रूरी है, डैम के ऊपर फोकस करना चाहिए। एक थोड़ी सी रायामा यूँ कह सकते हैं, आपस में जब फैमिलीज़ बैठती हैं, हम किसी से गुफ्तगू करते हैं, तो हमारे मुल्क में डैम की सख्त ज़रूरत है। अगर ये चाहते हैं कि अगले, क्योंकि ये नहीं कि यह सालों बाद सैलाब आया, नहीं, सैलाब हर साल आता है, बारिशें हर साल होती हैं, ये हम लोग प्रिपेयर हैं, नाले हर साल भरते हैं, रोड हर साल टूटते हैं, तो ये हमारी गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट जो इख्तदार में होती है, उसको पहले से प्री प्लान करना पड़ेगा, कम अज़ कम 100% नहीं तो कम अज़ कम 50%। तो उसे मालूम है, तो उसे डैम की ज़रूरत है, छोटे छोटे डैम बनाए जाएँ, बड़े डैम बनाए जाएँ, जिससे खुदा ने ये पानी इस्तेमाल हो सकता है, इससे इलेक्ट्रिसिटी बिजली बन सकती है। तो हमारे पास बहुत कुछ है, हम जाते जाते इनसे एक एक छोटा छोटा मैसेज लेंगे एक एक मिनट का। चना साहब, मैं आपसे, आप अपनी आवाम को क्या इस सैलाब जदगान पर क्या मैसेज देना चाहते हैं, महंगाई पर क्या देना चाहते हैं, जो आपका दिल करे या आपकी आवाम है? अपनी अपनी राहतों से जब कभी फुर्सत मिले, दूसरों का दर्द भी दिल में जगा कर देखिए। इस मुल्क की 23 करोड़ आवाम, 3 करोड़ आवाम के लिए बहुत कुछ कर सकती है, इनफरादी तौर पर भी कर सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप तक कोई सियासी तंजीम या मजहबी या कोई फलाही इदारा आप तक पहुँचे। आपके हाथों में मोबाइल हैं, आप अगर अपने इन सैलाब जदगान लोगों की मदद करना चाहते हैं तो 10 रुपये जो आप अपने, शायद आज छोटा सा जो बच्चा है वो भी 10 रुपये नहीं लेता है, तो आप अपनी कमाई में से जो है वो अगर 10-20 रुपये भी ये फंड में जो है वो देंगे तो अल्लाह तबारक व ताला कबूल फरमाता है। बाज़ औक़ात ओहद के पहाड़ जितना सदका किया वो भी कबूल नहीं होता है, मगर खजूर की एक जो गुठली है वो अपने ईमान को और अपने ज़मीर को सामने रख के सदका की जाए तो उसका अजर ओहद के पहाड़ से ज़्यादा है। जैसियत कौम, हमें इस वक्त अपने हम वतनों के साथ खड़ा होना है। थैंक यू सो मच चन्ना साहब। और फौजिया जी, आप अपने आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं तो आवाम को यही मैसेज दूँगी, क्योंकि मैं पोलिटिकल वर्कर हूँ, तो मैं यही कहूँगी कि इलेक्शन्स में जब कोई शख्स आपके पास आता है तो आप उसका कैरेक्टर देख लें, सबसे पहली बात, कि वो शख्स आपके इलाके में कितनी बार आया, उसने कितने फलाही काम किए। और दूसरी चीज़, जो ये जो डिज़ास्टर्स की हम बात कर रहे हैं, तो मैं क्या कहूँ, मैं रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ कि खुदारा ऐसी लेजिस्लेशन कीजिए, ऐसे इकदाम कीजिए कि अगली बार जब मानसून की बारिश हो तो हम यहाँ बैठ के रो ना रहे हों, बल्कि हम ये कह रहे हों कि हाँ, गवर्नमेंट ने ये अच्छे इकदाम कर दिए। और जो जो नाले हैं उनको साफ़ करें। आप लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, एक एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम मुल्क में राइज करें, अगर आप चाहते हैं कि मुल्क में डेमोक्रेसी आए। और डेमोक्रेसी की असल रूह इसी तरह से आ सकती है कि MNAs MPAs अपना काम करें, वो लेजिस्लेशन करें, और जो लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं वो उनका जो काम है, फलाही काम या जो भी वो आवाम की खिदमत करनी है, वो वाला काम करें। और मोहब्बत के बीच बोएंगे तो मोहब्बत की फसल काटेंगे। खुदारा आज से ये काम करना शुरू करें, मोहब्बत की बीज बोएं, मोहब्बत की फसल काटें, और एथनिक पॉलिटिक्स को अब गुड बाय कह दें। माशाल्लाह, ज़बरदस्त, थैंक यू डॉक्टर फौजिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मैं जाते जाते सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी कि अगर सिर्फ एक सिंध पर या एक कराची पे एक किसी का भी इकतदार है, लाहौर पे किसी का भी इकतदार है, और इस्लामाबाद में जिसका भी इकतदार है, मैं चाहती हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि अगर आप चाहते हैं कि हर साल लोग आप ही को ओबलाइज करें, आप ही को वोट दें, तो इसके लिए आप अच्छा सिस्टम कुछ बनाएं, ताकि एक साल नहीं
आप साला साल हुकूमत करें। जब आवाम मुतमईन होगी तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनका दिल आपसे मुतमईन होगा। और ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात क्या हैं कि घर में बिजली होनी चाहिए, हमारे इर्द गिर्द गंदगी नहीं होनी चाहिए और हमारे घर में पानी होना चाहिए। ये ज़िंदगी की कुछ बुनियादी चीज़ें हैं और इसी वजह से लोग आपको, मैं कहती हूँ एक साल नहीं साला साल आपको चूज़ करेंगे। अब आप लोगों ने जज करना है और मैं तमाम हुक्मरान से कह रही हूँ, मैं किसी एक को पॉइंटेड नहीं कह रही, तो मेरे ख़्याल में कोई भी उनके दिमाग में नेगेटिविटी नहीं डाल सकता। लेट्स सी, और हम यही कहेंगे कि अल्लाह पाक आने वाले जो हुक्मरान हो या जो भी हमारे लिए सोच रहे हैं वो पॉजिटिव सोचें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दें, लेकिन जाते जाते मैं हुमा को थैंक्स करूँ, बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने डिश बनाई है। थैंक्स हुमा, बहुत अच्छा लगा, बड़े ज़बरदस्त आपने डिश बनाई और डिश पर ही हम एंड करेंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिए एंड हुमा की स्पेशल डिश आप देखिए। सुबह